दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी शोर बुधवार की शाम थम गया। इसके बाद कोई सार्वजनिक सभा नहीं होगी और प्रत्याशी और उनके स्टार प्रचारक अगले 48 घंटे तक घर घर जाकर वोट मांग सकेंगे। दूसरे चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शशि थरूर, अभिनेत्री हेमा मालिनी, रामायण सीरियल के राम अरुण गोविल, वहीं बाप पार्टी से राजकुमार रौत समेत 1206 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण के कम मतदान को देखते हुए चुनाव आयोग ने अपने कर्मियों को लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने इस बार से एक नया प्रयोग भी किया है। उसने शहरी इलाकों की बहुमंजिली इमारतों में वहीं पर मतदान की व्यवस्था की है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का है, लेकिन अगर समय खत्म होने के बाद भी लोग लाइन में रह जाते हैं तो उनका वोट भी डलवाया जाएगा। दूसरे चरण में वायनाड से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, मथुरा से हेमा मालिनी, मेरठ से अरुण गोविल मैदान में हैं। त्रिवेंद्रपुरम से शशि थरूर का मुकाबला केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर से है। जम्मू लोकसभा सीट से भाजपा के जुगल किशोर का मुकाबला कांग्रेस के रमन भल्ला से है। यहां गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी DPAP ने GM सरूरी को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले में त्रिकोणीय करने का प्रयास किया है। यहां पर कुल 22 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं राजस्थान की 13 सीटों पर मुकाबला रोचक बना हुआ है। जैसलमेर, बाड़मेर और डूंगरपुर बांसवाड़ा सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। बाड़मेर लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री भाजपा के कैलाश चौधरी का मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस के उमेदारम बेनीवाल से है। वहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर भाजपा के मुश्किल भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत ने बढ़ा दिया है। वहीं सीट पर कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी के अनौपचारिक गठबंधन हो गया है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया है, जिसके बाद कांग्रेस से उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होगा, जहां 91 उम्मीदवार हैं। सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर और मथुरा सीट पर 15-15 उम्मीदवार हैं। बुलंदशहर में सबसे कम केवल 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। अमरोहा में 12, मेरठ में 8, बागपत में 7, गाजियाबाद और अलीगढ़ में 14-14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अमरोहा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा सीट के लिए मतदान होगा। अब देखना यह है कि दूसरे चरण में भाजपा को क्या इंडिया गठबंधन रोक पाएगी, कि गठबंधन के हिस्से में हताशा ही आएगी।